हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है जिलेटर से, मतलब कि रिसेंटली समाचार पत्रों में जिलेटर नाम का वर्ड देखा जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि इसका उपयोग समुद्री सतह पर फैले गए तेल को साफ करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि ऑटोमोबाइल के लिए एक नया इंजन जो सिलिका जेल पे चलता है वो है। तीसरा ऑप्शन है कि जो सोलर पैनल होते हैं उसमें सिलिकॉन के लिए एक प्रतिस्थापन है, मतलब एक विकल्प के तौर पे यूज किया जाता है सिलिकॉन की जगह पे। और चौथा ऑप्शन है कि IISC बेंगलोर द्वारा विकसित नव रॉकेट इंजन है, मतलब नया रॉकेट इंजन है वो बनाया जा रहा है बेसिकली। ये चार स्टेटमेंट है, चार ऑप्शन हमारे सामने, आपने आंसर सोच लिया होगा। देखो डायरेक्टली ये फैक्ट पे क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो ए है। कि देखो आपको पता है कि ऑयल स्पिलिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है आज के टाइम पे, और उससे मरीन बायोडायवर्सिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान है वो होता है। तो उसी के लिए नए नए साइंटिस्टों के द्वारा तरीके हैं वो इजाद किए जा रहे हैं, और उसी के तहत एक जिलेटर है वो तैयार किया गया है। जिलेटर क्या होगा, बेसिकली जो समुद्र की सतह पर जो ऑयल का फैलाव हो जाता है जब जहाजों की टक्कर होती है, कोई भी ऐसा रीजन हो कि ऑयल फैल जाए, तो उसको साफ करने के लिए बेसिकली जिलेटर का यूज है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट हमें डायरेक्टली ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में ऑप्शंस आपको यहाँ सामने अवेलेबल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका बेसिकली एशिया के कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट इसका मेन मोटो है, मतलब इसका उद्देश्य एशिया के देशों में आर्थिक विकास को सहायता पहुंचाना है। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि 1966 में स्थापित इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। अब आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ये आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे हैं। देखो आप ऑप्शंस पे एक्चुअली मत जाना, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज है, दोनों ही गलत है। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं और देखो सुर्खियों में भी रहता है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंडिया इसका मेंबर है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इन दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली मेजर इन दोनों का मेजर डिफरेंस है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनका जो हेडक्वार्टर है दोनों का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इन दोनों के बारे में ही आपको बताना है। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ब्रिक्स रिलेटेड है, कि कौन सा देश है वो ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश है, मतलब ब्रिक्स में सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री शामिल होती। काफी इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना, चौथा है साउथ अफ्रीका। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसका आंसर है वो डी होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिक्स ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली पांच कंट्रीज ने मिलकर ब्रिक्स समूह ये बनाया। देखो स्टार्टिंग में बेसिकली 2001 में बेसिकली ब्रिक्स है वो बना था, तो स्टार्टिंग में ब्रिक्स था, BRIC था ओनली। साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसमें ऐड है वो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था, उससे पहले चार ही कंट्रीज इसमें मेंबर थी। और जो ब्रिक्स के सबमिट हैं वो बेसिकली 2009 से ढंग से स्टार्ट होने शुरू हुए थे। 2001 में तो बन गया था, बट देखो ढंग से कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना इसने 2009 के टाइम से किया था, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका वो ऐड हो गया था। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। देखो इंडिया ऑब्वियसली इसका मेंबर है। अब यूपीएससी की बार क्या पूछती है कि ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो G20 के सारे मेंबर। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ब्रिक्स के जो पांचों कंट्रीज ना ये G20 के भी मेंबर हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। कई बार यूपीएससी इस तरीके से सिंक करवा लेती है, जैसे कि सार्क और आसियान में सिंक करवा लेती है कि सार्क और आसियान के कौन कौन से मेंबर है, तो उसमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखो इंडिया बेसिकली जिनका मेंबर है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली इंडिया आसियान का तो मेंबर नहीं है, बट इंडिया आसियान प्लस सिक्स का मेंबर है, तो आसियान प्लस सिक्स हो गया तो इसका मतलब हमें आसियान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगी या लुक ईस्ट पॉलिसी होगी उसके लिए आसियान इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारे पड़ोसी देश हैं तो इसलिए अहम हो जाता है, और चाइना को काउंटर करना है तो भी हमारे लिए आसियान इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्क भी इंपॉर्टेंट है, बीमस्टेक भी इंपॉर्टेंट है, तो जिन जिन जो जो इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली एशिया वाले उनका तो हमें पता ही होना चाहिए मेन मेन का, और इंडिया जिनका मेंबर हम। अब देखो बात करें हम G20 की, तो G20 में टोटल 20 है, 20 भी क्या है, 19 तो कंट्री हो गई, फिर 21 20 हुआ यूरोपियन यूनियन, तो हमें टोटल याद नहीं करने इसमें कि सारे के सारे कौन है, बस ऐसे एक फैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई ब्रिक्स में वही कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली इसमें है। तो ऐसे फैक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो जाते हैं, और हमारे लिए एग्जाम में आंसर में काफी हेल्प है वो करते हैं। अब चलते हैं हमारे आज की डिस्कशन की तरफ।
सबसे पहले जो आर्टिकल आया हुआ है इनेमी प्रॉपर्टी को लेके, कंटेक्स्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है कि भाई जो इनेमी प्रॉपर्टी है हमारे देश में उसके बेसिकली सेल वगैरह किया जाएगा, और उसका जो भी पैसा होगा वो लगभग आएगा अभी 3,000 करोड़ के आसपास उम्मीद की जा रही है। 3,000 करोड़ का जो पैसा आएगा वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक फंड है जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट फंड, उसके अंदर वो पैसा है वो जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट, एक तो जो भी पैसा एक तरीके से कोई कंपनी है गवर्नमेंट की खुद की, जैसे मान लो कि ONGC, आपको पता है गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, तो अगर गवर्नमेंट ONGC को बेच रही है या फिर एयर इंडिया को बेच रही है तो उसका पैसा डिसइन्वेस्टमेंट फंड में जाता है बेसिकली, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में, तो उसके अंडर बेसिकली वो पैसा है तो हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि इनेमी प्रॉपर्टी है क्या। देखो इनेमी प्रॉपर्टी, एक तो ये ध्यान रखना है कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन है वो इन चाइना, और यहाँ पे बात की जा रही है पाकिस्तान, मतलब चाइना और पाकिस्तान को यहाँ पे इनेमी कंट्री के तौर पे देखा गया है, ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब है क्या बात, देखो 1962 में हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ, आपको बताया, और 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, और 1971 में भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई है वो हुई थी। तो बेसिकली इन दो कंट्रीज मतलब चाइना और पाकिस्तान के जो लोग जो कि इंडिया में रहते थे और उनकी प्रॉपर्टी थी इंडिया के अंदर, और उसके बाद लड़ाई के बाद वो भाग गए जो भी हुआ, तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो इनेमी प्रॉपर्टी कहलाती है, मतलब दुश्मन की प्रॉपर्टी है और वो इंडिया के अंदर थी, जैसे कि इंडिया में उनका घर वगैरह था, उनकी प्रॉपर्टी खेत वगैरह थे, तो वो गवर्नमेंट के अंडर है वो आ गए थे। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत वो सारी प्रॉपर्टी थी उन दुश्मनों की, वो सारी प्रॉपर्टी इंडिया के अधिकारियों के लिए आप बोल सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कब्जे में ले ली थी, तो वो होगी इनेमी प्रॉपर्टी। तो एक यहाँ पे फैक्ट ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी बोल सकती है कि ओनली पाकिस्तान, भी ओनली पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे चाइना को भी साथ में रखा गया है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन देशों को यहाँ पे फोकस किया गया है, और उनके अंदर जो भी लोग इंडिया में वॉर के टाइम पे थे और भाग गए फिर या मर गए जो भी हुआ, तो उनकी प्रॉपर्टी इनेमी प्रॉपर्टी के तहत है, वो आएगी दुश्मन प्रॉपर्टी में। अब देखो जो ये प्रॉपर्टी है इनकी या फिर इनकी कंपनी भी थी, तो उन कंपनी में उनका जो भी शेयर स्टेक होल्डर वगैरह था, तो वो सारा पैसा डिस इन्वेस्टमेंट फंड में जाएगा, और फिर उसकी हेल्प से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है वो चलाए जाएंगे। तो इनेमी प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए क्या प्रक्रिया यूज की जा रही है वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए अप्रूवल है वो दे दिया है। तो देखो बेसिकली बनाई कहाँ जाएगी, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी चार ऑप्शन दे देगी कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है, उड़ीसा में बनाई जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर में बनाई जा रही है, गुजरात में बनाई जा रही है, इस तरीके से। तो देखो बेसिकली आंध्र प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ये हमें ध्यान में रखना है। देखो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है, उसके तहत अमेंडमेंट करके इस यूनिवर्सिटी को एक्टिव फॉर्म में है वो लाया जाएगा। अब बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम है रैली विलेज, तो ये रैली विलेज है जो कि बेसिकली आता है विजिंगनम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, और वहां पे इस यूनिवर्सिटी को स्थापित है वो किया जाएगा। और इसके लिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 है उसके 13 शेड्यूल में चेंजेस है वो किए जाएंगे, और उसके बाद सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। इसमें एक मोटा फैक्ट यही ध्यान रखना है कि बनाई कहाँ जा रही है, आंध्र प्रदेश में। बस जिस तरीके से रेलवे के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही थी, गुजरात के अंतर्गत, तो उसी तरीके से ध्यान में रखना है कि भाई ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली वो आया है यहाँ पे केव पेंटिंग को लेके। देखो सबसे पुरानी केव पेंटिंग है एनिमल्स की, वो अभी डिस्कवर की गई है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक जगह है बोरिनो, उस बोरिनो जगह में सबसे पुरानी लगभग 40,000 साल पुरानी गुफा पेंटिंग है वो अभी डिस्कवर की गई है, तो उसको लेके कंटेक्स्ट अभी आया है। तो यूपीएससी जैसे ये जगह का नाम दे सकते हैं कि बोरिनो मेजद फोलंग वगैरह में, जिस तरीके से यूपीएससी ने पहले भी पूछा था क्वेश्चन इस तरीके से, तो पूछ सकती है कि बोरिनो है कहाँ से रिलेटेड, कौन सी सिटी कहाँ से रिलेटेड है मेज द फॉलोइंग में। तो ध्यान रखना कि बोरिनो इंडोनेशिया की सिटी है, और वहां पे अभी सबसे पुरानी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी हम कह सकते हैं केव पेंटिंग है एनिमल्स की, वो अभी डिस्कवर है वो की गई है। ये ध्यान में रखना लगभग 40,000 साल पुरानी केव पेंटिंग को डिस्कवर किया गया है। चलो आप ये बताइए कि इंडिया में सबसे पुरानी जो गुफा पेंटिंग है वो कहाँ पे डिस्कवर की गई है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी हमारे जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे अशोक कुमार गुप्ता, उनको बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो
तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट आया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काफी सुर्खियों में भी रहता है। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक प्योरली जुडिशियरी स्टेचुरी बॉडी है। इसको बेसिकली कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि 2002 में इसको एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट के देखो बनी तो थी वैसे 2003 में, एक्ट आ गया था 2002 में और उसके बाद प्रॉपर ढंग से इसने काम करना शुरू किया था 2009 में। तो इतनी सारी डिटेल नहीं याद रखनी है, बस ये ध्यान रखना कि क्योशियो जुडिशरी स्टेचुरी बॉडी है। क्योशियो जुडिशरी का मतलब देखो यहाँ पे ये है कि इसके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर भी होती है और नॉर्मल जो पावर होती है वो भी इसके पास होती है, क्योंकि जैसे किसी का सम्मन करना हो, किसी को बुलाना हो, तो वो सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसका जो सेक्शन 8 का पहला पार्ट है वो बेसिकली ये प्रावधान करता है कि इसके चेयरपर्सन होंगे और इसी के साथ 2 से लेके 6 तक इसके मेंबर हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम इसके मेंबर है वो 6 हो सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। रिसेंटली इसके 1 चेयरपर्सन है और 4 इसके मेंबर है। पहले इसके 6 मेंबर थे बट बाद में भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही 6 से 4 मेंबर को शिफ्ट है वो कर दिया गया है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए, मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि हमारे देश के अंदर का सभी कंपनी चाहे जो भी चीज हो उसमें कंपटीशन बना रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी की मोनोपोली है वो अपना मनमर्जी करने लग जाए, कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो, उन सब के लिए बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काम करता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को लेके, सीबीडीटी को लेके। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली एक नोडल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ये हमें ध्यान में रखना है इनकम टैक्स के लिए। मतलब इंडिया के अंदर अगर इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी काम हो तो उसके लिए सीबीडीटी काम वो करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स होता है जो आयकर आयकर होता है बेसिकली वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि जो भी इंसान कंज्यूम करता है ना उसको पे करना होता है। जैसे कि देखो दुकान वाले ने सामान खरीदा कंपनी से तो दुकान वाले को तो कर पे तो दुकान वाला ही कर रहा है पहले, पर दुकान वाला कैसे करेगा अगर हम उससे कुछ खरीदने जाएंगे तो हमें पे करना होता है। तो मतलब इनडायरेक्टली कलेक्ट तो कौन कर रहा है, कलेक्ट तो दुकानदार कर रहा है और दे किसको रहा है, गवर्नमेंट को। तो वो तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो होता है कि जैसे कि मैंने खरीदा तो मुझे देना होगा, जिस तरीके से खरीदने का तो मतलब नहीं, एक तरीके से इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकम टैक्स का मतलब क्या हो गया, मेरी इनकम 50 लाख है तो मुझे टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पर्सन पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स की हमें ध्यान में रखना है। देखो अभी जीएसटी था वो इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म में था, तो यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी इसके बारे में भी पूछे हो सकती है। अब जो सीबीडीटी है वो एक स्टेचुरी अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963 के तहत काम है वो करती है, और इंडिया के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कोई भी पॉलिसी को फ्रेम करना हो उसके लिए सुप्रीम बॉडी है। मतलब डायरेक्ट टैक्स से संबंधित कुछ भी काम हो, पॉलिसी वगैरह बनानी हो, उसको मैनेज करना हो, वो काम बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा ही किया जाता है। यह हमें ध्यान रखना, उसके लिए कानून वगैरह बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करने काम इसके द्वारा किया जाता है। बेसिकली बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 6 इसके मेंबर हैं वो होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो देखो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।